प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत से मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी, और चाइना से उन्हें ज्वाइन करेंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत पाकिस्तान और चाइना पे जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। और ये तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब ये तीनों साथ में होते हैं तो बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक होता है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने से लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ आपके जाने पहचाने सुमित सर हैं चाइना से और रोहित सर हैं दिल्ली से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कॉल करने के लिए। ये आपने ड्रेस जो है ये क्या वो ज़कात में मिली है? नहीं नहीं, ये अलग अलग पीसेज है ना। ये बोल रही थी मुझे कि बाहर जो है ना वहाँ पे कोई फड़ी वाली मार्केट लगती है, वहाँ पे कोई कपड़े पड़े थे उनको सबको काट के इन्होंने जोड़ के बनाई है। आप लोग कोई खौफ करें, ये मैंने दुबई से ली है और जितने की ये है ना उसमें मतलब दोनों के सारे कपड़े भी बेच दूं ना तब भी पैसे पूरे नहीं होंगे। तो आप ये मत करो कि आपने खरीदी है, देखो खरीदी है। इन्होंने बड़ी क्लियरली बोली है कि हम इन्होंने ये जो ड्रेस है इतनी महंगी है, जो हमारे सारे कपड़े बिक जाएंगे तो भी ये नहीं आ सकती। दैट मींस इन्होंने ये प्रूव कर दिया इन्होंने खरीदी नहीं है, किसी ने दे दी है। नहीं 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 नहीं, यही बात तो कई बहुत सारे लोग प्रूव करने पे लगे हैं कि आरजू जी की 26 लाख इनकम है, और आप इसको बोल के प्रूव कर रही हैं कि आरजू जी की 26 लाख इनकम है। मुझे तो जलन होती है, देखा धुआं निकला। जो लोग मुझे 26 लाख का ताना मार रहे हैं वो पूरे इंडिया को चूना लगा रहे, 16,500 पाउंड मांग के, और आप लोग भेज भी रहे। खैर, अब मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि आप लोग ढक्कन होते जा रहे हैं, इनको बात कोई बात होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। लेकिन बिना ढक्कन की शीशी कैसी, हम शीशी है, ढक्कन से अपने आप आता है, उसके साथ फ्री आता है। बात अगर हम करें, कल फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, एटम बम भी हमारे पास, क्या कहेंगे आप उनके इस स्टेटमेंट को? कौन पूछ रहा है, किसको पूछ रहे हैं? आपको पूछ रही हूं सुमित सर, आपका नाम से पूछे यार, सुमित मेरा नाम थोड़ी है। नहीं, कई बार होता है ना कि हां हो सकता है चेंज कर लियो, देखो नीचे रोहित शर्मा लिखा है, नाम चेंज नहीं किया अभी तक। आरजू जी, पहली बात ये साफ होगा आपका, ये फारूकी हमारा कोई साफ सूफ नहीं है। हमने तो वैसे भी इसका जो फंड था वो 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया था इसका। ये साफ आपके लिए होगा फारूक साहब, हमारे लिए नहीं है और ना ही था ना ही कभी होगा। दूसरी बात, जो ये धमकी दे रहा है, धमकी तो नहीं दे रहा है बेचारा, अपना ही रोना रो रहा है कि यार पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, बल्कि वो यही कहने की बात कर रहा है कि 2019 से इसमें जो चूड़ियां पहनी हुई हैं बुरका डाल के अपने ही घर में बैठा हुआ है, बाहर भी निकल नहीं पा रहा। फारूक की बात कर रहा हूं मैं, तो ये अब ये बोल रहा है कि भाई मैंने तो चूड़ियां डाली हुई हैं, बुरका भी डाला हुआ है, पाकिस्तान ने नहीं डाला। वो भी पाकिस्तान ने क्या कर लिया 2019 से, वो भी तो बुरका डाल के बैठे हुए हैं वहां पर, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ये अपना ही दुखड़ा रो रहे हैं, अपना रोना किसके पास रोए, इसलिए रोना ऊपर से और धोना नीचे से जारी है और जारी ही रहेगा जब तक ये ऊपर ना चले जाए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पाकिस्तान ने चूड़ियां डाली हैं नहीं डाली हैं, एटम बम, ये बम दूसरा बम है जिसमें से धुआं निकलता है इनके पिछवाड़े से, ये वो वाला बम है। तो ये जो बोल रहे हैं कि उनके पास भी एटम बम है, हु केयर्स, और पाकिस्तान के पास कितना पावरफुल बम है वो हमें शेख रशीद ने बता दिया था, पाव पाव 25 ग्राम 50 ग्राम ऐसे, तो पाव पाव के एटम बम है इनके पास, तो हु केयर्स। नहीं सर, वो भी है लेकिन बड़ा वाला बम भी है, इसलिए हमें अंडरस्टिमेट ना करें। लेकिन रोहित, क्या जरूरत है फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं? नहीं, क्या जरूरत पेश आ गई कि उनको पाकिस्तान का नाम लेना पड़ा, या ये पॉलिटिक्स चल रही है, फारूक अब्दुल्ला वही आदमी है जिन्होंने
जब टेररिज्म शुरू हुआ था तो सबसे पहले बोला था कि पाकिस्तान पे अटैक कर दो, ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि कश्मीर जो है वो इंडिया का है और वो ये मेरी जन्मभूमि है, अगर इस पर एक भी आदमी मरता है, हालांकि अगर एक भी आदमी मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि जब टेररिज्म स्टार्ट हुआ था फारूक अब्दुल्ला में जब कश्मीर में, तो फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेल रहे थे लंदन में, ठीक है, ये भी बोला जाता है। जिस दिन वो 1990 वाली रात जिस दिन ये सारे के सारे कश्मीरियों को भगाया गया था उधर से कश्मीर से, उस दिन फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं छोड़ सकते उससे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसेकर एंड द एक्सपोर्टर्स ऑफ कश्मीरी पंडित, ये वही आदमी है। लेकिन इन्होंने बहुत सारी देशभक्ति की बातें भी बोली है, मैं वो नहीं डिनाई कर सकता। जहां तक बात ये कि अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, तो 71 में कौन सी पहनी थी? 71 में भी तो बोल रहे थे हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। सीधी सी बात, अगर पाकिस्तान बोलता है बोल रहे हैं उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, करगिल वॉर से पहले न्यूक्लियर टेस्ट हो गया था, हमें पता था, पाकिस्तान को भी पता था, और इसी प्रिजम्पशन पे करगिल वॉर हुई थी कि हम दोनों न्यूक्लियर एसेट वाले कंट्री हैं, अब वॉर नहीं होगी। मगर सर वो पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन क्यों बने हुए हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैं तो ये कह रही हूँ नहीं, इट इज नॉट दैट ही इज नॉट बिकमिंग द स्पोक्स पर्सन। मैं उनके ऊपर कोई इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, वो इंडियन है, मैं उनके ऊपर वो मुझे फक्र है कि वो इंडियन है, ठीक है, वो और मुझे उन पे भी फक्र है, वो इंडिया के बहुत सीजन लीडर है, लेकिन वो अपनी एक मजबूरी की वजह से बोल रहे हैं। इलेक्शन सामने खड़ा है, वो कश्मीर के वोट चाह रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक चाह रहे हैं, और उनकी पहली नजर है। अगर वो इतने ही मुसलमान हैं तो उनकी बेटी ने शादी किससे की थी? चलो वो पर्सनल मैटर है, बेटे की शादी हिंदू से हुई, ठीक है, चलो वो पर्सनल मैटर है, मैं उसको नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू ब्रेक अप। लेकिन ये बात कि फारूक अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं कि वो हमें पाकिस्तान, उनके बेटे ने भी बोला कि वी शुड टॉक टू पाकिस्तान, भाई हम लोग बात करेंगे लेकिन हमारे एक प्रेजेंटेशन है कि टेररिज्म खत्म हो। कल परसों तो उड़ी में अटैक हुआ, हम कितने दिन तक अपने जवानों को मरवाते रहेंगे? तो ऐसे नहीं चल पाएगा। एंड फारूक अब्दुल्ला हैज बीन एडवोकेटिंग इट फॉर लॉन्ग। इलेक्शन सामने हैं तो ये सारे बोलते हैं बात करो, इलेक्शन खत्म हो जाता है फिर बोलते हैं पाकिस्तान पे हमला कर दो। ये लैंग्वेज चेंज फारूक अब्दुल्ला की हो या महबूबा मुफ्ती की हो, ये होती रहती है। एंड एक चीज और, फारूक अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती बोथ हैव लॉस्ट ग्राउंड, दोनों ने ग्राउंड लूज किया। अभी नहीं, पहले हमने देखी फारूक अब्दुल्ला जब इलेक्शन जीते पिछली बार लोकसभा का 8% turnout पे एक आदमी जीत रहा है, तो कम से कम उनके अपने वोटर्स 8% नहीं है, मतलब ऑपोजिशन वाले को भी तो मिले होंगे। व्हाई देयर इज नॉट अ मेजर टर्नआउट, 50% 60% टर्नआउट, 70% क्यों नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम ये लूज कर चुके हैं, अपनी ग्राउंड लूज कर चुके हैं, दे आर ट्राइंग टू रीगेन द लॉस्ट ग्राउंड बाय इनसाइटिंग इन चीजों को बोल के ये अपनी ग्राउंड को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक सुमित सर किसी भी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, कम से कम मेरे सामने से न्यूज नहीं गुजरी जो मैंने कोशिश की चेक करने की, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इलेक्शन का थर्ड फेज शुरू हुआ है, सतपाल मलिक को फोन किया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे किसकी थी, जो बोल रहे थे कि देखो ये ब्लास्ट हुआ है पुलवामा, अब इसका ब्लेम पाकिस्तान पे जाएगा और मैं गवर्नर था। एक बार उनको फोन करो ना, वो ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सभी सर थर्ड फेज शुरू हुआ है और उसके साथ ही ये अटैक जो है वो भी हुआ है जिसमें 5 लोग जख्मी हुए हैं, 1 की जान गई। आपको लगता है कि ये कुछ इलेक्शन का ही सिलसिला है या ये रूटीन में कुछ हो रहा है जो मतलब कश्मीर में होता रहता है? पहली बात यह कि कश्मीर में होता रहता था ना कि कश्मीर में होता रहता है, दोनों में बड़ा फर्क है। 2019 के बाद ये बड़ा ही छुटपुट से इंसिडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पर हुए हैं। दूसरी बात यह है कि क्या ये इलेक्शन के साथ रिलेटेड है? तो आप ही के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसकी एक रिपोर्ट थी जो मैंने कल ही देखी है, जहां पर जो पाकिस्तान आर्मी है वो बुखलाई हुई है कि हमारा जो जिहाद का एजेंडा है पूरे दुनिया में, हमने एक्सपोर्ट करने की दुकान जो खोली हुई थी वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती जा रही है, हमें सारे जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिहाद की इनको इकट्ठा करना हमें पड़ेगा, जिसमें जैश है यानी कि आइसिस है प्लस जैश ए तैयबा है, इनको सबको रीएक्टिवेट करने के लिए आर्मी जो पाकिस्तान आर्मी है इसके जनरल्स या इसके जो लोग होते हैं वो इनके अंदर भर्ती किए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और
जो जैश ए तैयबा है और आईसिस है, इनको दोनों को इकट्ठा करके इंटरचेंजेबिलिटी की जाएगी और उसके बाद अटैक किए जाएंगे भारत में और इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर अब करने की नौबत आ गई है, क्योंकि बीजेपी जीत रही है, मोदी जी लैंडस्लाइड विक्ट्री से आ रहे हैं, इसलिए उनकी रफ्तार को रोकने के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए हमें ये काम करने पड़ेंगे। अभी दो दिन पुरानी रिपोर्ट थी और अगले दिन ये अटैक्स का ये हमारे पास न्यूज आ जाती है। तो हमें पता लग गया एक चीज तो ये कि जो पाकिस्तान आर्मी करवाना चाहती है वो उन्होंने अंजाम दे दिया है, एक अटैक करवा दिया, फर्क नहीं पड़ता, क्यों, इलेक्शन का टाइम है, उन्हें मालूम है कि अभी कुछ नहीं होगा, जवाब मिलेगा 4 जून के बाद, वेट तो कीजिए। बिल्कुल, खैर देखते हैं 4 जून के बाद क्या होता है। खैर ये एलिगेशन है जो आप लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन भारत पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मैं भेज सकता हूँ, मैं आपको प्रूफ भेज सकता हूँ एंड यू विल हैव टू सी दैट रिपोर्ट, और मैं रिपोर्ट मुझे भेजिएगा बिल्कुल। लेकिन बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त ट्रेड करना चाह रहा है भारत के साथ और इस किस्म की चीजों को यकीनन रोकना चाहिए। लेकिन रोहित, इलेक्शन कैसा चल रहा है, क्या क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आ रही है, थर्ड फेज शुरू हो गया, मतलब क्वेश्चन आपने जज्बात बदल दिए भाई साहब, नजरिया बदल दिया, सही कौन सी पार्टी आ रही है, मैं ये बोल रहा था एलिगेशन सुमित साहब ने लगाया, इस एलिगेशन पे मैं एक चीज बोल रही थी, वो एलिगेशन है, मैं मान रहा हूँ इस हर चीज को एलिगेशन ही बोला जाता है चाहे प्रूफ हो या ना हो, लेकिन हमने प्रूफ पहले बहुत दिए पाकिस्तान को, वही प्रूफ जो डेविड गोलमैन हेडली के खिलाफ दिए गए थे, वो 11 सितंबर अटैक के, 26/11 के दिए गए, यानी कि मुंबई अटैक के दिए हमने, वो पाकिस्तान ने एक सीधे सीधे उसके ऊपर क्रॉस मारा के है बकवास, ये एविडेंस हम नहीं मानते, उसी एविडेंस सेम एविडेंस पे अमेरिका ने 30 साल से ऊपर की सजा कर दी, वही डेविड कोलमैन हेडली को, और माना ना ताकि एविडेंस माना, उसकी कोर्ट ने दी, अमेरिका ने भी ऐसा की नहीं कि मोदी जी का फोन चला गया था क्या कर दो, उसकी कोर्ट ने दी ना, तो एविडेंस हम कितना भी दे रहे पाकिस्तान ने तो उसे स्क्रैप में फेंकना ही है। अब आते हैं दूसरी बात कि क्या सिचुएशन है, इलेक्शंस आर गोइंग फाइन, पहले दो फेजेस में आज एक वोटिंग चल रही है, पहले दो फेजेस में हमने टर्नआउट लो देखा था, आज का टर्नआउट सुपर है, आज का टर्नआउट बहुत बढ़िया है, अब तक मेरे को अभी इस समय तक का टर्नआउट नहीं पता है, लेकिन सुबह के पहले 3-4 घंटे की जो पोलिंग थी बहुत अच्छी थी, शाम तक उम्मीद है ये पोलिंग 60-70 क्रॉस करेगी, यूपी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में थोड़ी कम थी, लेकिन जहां पे भी 60-65-67 से ऊपर गई तो हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि बीजेपी इज विनिंग, बाकी जगह कांटे की टक्कर है, लेकिन आज जो वोटिंग हो रही है वो खगड़िया जो है, वो खगड़िया वाला रीजन जो है वो सम्राट चौधरी का, शकुनी चौधरी का, सम्राट चौधरी बीजेपी चीफ है बिहार के उस रीजन से, देन जो हम लोगों ने मध्य प्रदेश तो लगभग पूरा और राजस्थान गुजरात तो पूरा ही बीजेपी का क्लियरली, कुछ एरिया जैसे कर्नाटका का भी शिमोगा एरिया, उस एरिया में भी बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, मतलब जहां बीजेपी स्ट्रॉन्ग थी उन एरियाज में हो रहा है और वोटिंग अच्छी दिख रही है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आपको इन तीनों का डिस्कशन काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि हमेशा जब भी ये तीनों साथ में होते हैं तो ना सिर्फ हंसी मजाक होता है बल्कि हमें जानने को भी बहुत कुछ मिलता है। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम जल्दी आपके लिए चैनल पर डाल देंगे, आप उसे भी जाके जरूर देखें, आपको और बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।